Please click the subscribe button and do click the bell icon to get regular updates on different types of income opportunities. दोस्तों अगर आपको आपके फंड्स को विड्रॉ करना है पेपाल के अलावा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले आप बैंक ट्रांसफर पे क्लिक कीजिए। बैंक ट्रांसफर पे आप जब क्लिक करते हो तो एक नया पेज ऐसे ओपन हो जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्टर फॉर बैंक ट्रांसफर। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो फॉर सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, वहां पे आपको आंसर आपका टाइप करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको ये पायोनियर का पेज आ जाता है, क्योंकि पायोनियर के थ्रू ही आप जो फंड्स रहता है आपके बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये पायोनियर का आपका साइन अप का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स डालनी है और नेक्स्ट करके सबमिट करना है। अगर आपको पेमेंट जो है आपको कंपनी के नाम पे लेना है तो आप यहाँ पे कंपनी पे सिलेक्ट करके वो डिटेल्स आपको भरना है। फिलहाल मैं इंडिविजुअल नाम पे ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स डाल रहा हूँ, ठीक है, अपना ईमेल डाल रहा हूँ, क्योंकि ये जो ईमेल है मैं पायोनियर के लिए साइन अप कर रहा हूँ। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं फिलअप करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको आपका कंट्री सिलेक्ट करना है, एड्रेस वगैरह पूरा यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, फिर आप नेक्स्ट बटन दीजिए। फिर आपके पास जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको आपका पासवर्ड वगैरह एंटर करना रहेगा। मतलब यहाँ पे जो आप कर रहे हो ये आपका जो पायनियर है उसमें आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है, और अकाउंट क्रिएट होने के बाद पायनियर आपकी फाइवर अकाउंट से लिंकअप हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, एक नॉर्मल जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी टाइप का प्रोसीजर है, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिल करने के बाद नेक्स्ट बटन दबाइए आप। इसके बाद जो फाइनल डिटेल्स आती है वहाँ पे आपको आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालना है। उसमें आपका बैंक अकाउंट नाम हो जाएगा, फिर अकाउंट नंबर डाल दीजिए, IFSC कोड डाल दीजिए, आपका पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा आपको, और अकाउंट टाइप डाल दीजिए जैसे आपका सेविंग्स या करंट अकाउंट है। सबमिट करने से पहले एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि जो भी आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स डालिए वो करेक्ट है कि नहीं है। बाद में आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उसको चेकबॉक्स को टिक करके आप सबमिट बटन क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आपका सबमिट हो गया है। रिव्यू इन प्रोसेस, यानी कि आपको एक ईमेल आएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ईमेल पे कैसा कंफर्मेशन मेल आता है। जैसे आप देख सकते हैं, सो आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद एक मेल आया है वो फाइवर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट हैज बीन एडेड करके सक्सेसफुली। अकाउंट लिंकअप करने के थोड़ी देर के बाद वापस से देखिए एक मेल आया है पायोनियर की तरफ से कि आपका रिक्वेस्ट लिया गया है फाइवर के थ्रू जो भी पेमेंट्स विड्रॉल करने के लिए, और यहाँ पे उनका पायोनियर का कंफर्मेशन मेल देख सकते हैं आप। ओके, उसके थोड़ी देर के बाद एक दूसरा ईमेल भी आया है, वो भी आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट कन्फर्म हो चुका है ये ईमेल पे कि पायोनियर का आपका अकाउंट कंफर्म हो चुका है, मतलब कि बहुत जल्दी अप्रूवल हो गया इसमें। ठीक है, मुझे लगा कि 3-4 दिन लगेगा, बट विद इन फ्यू मिनट्स ही अकाउंट अप्रूवल हो चुका है। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए लॉगिन नाउ पे, नया पेज ओपन हो जाएगा पायोनियर का। आप देख सकते हैं पेज ओपन हो रहा है। साइन इन करने के बाद आपके पास इस तरह से एक बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको आपकी जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट करना है, जैसे कि सिक्योरिटी क्वेश्चन हैं दो तरह के, उसको सिलेक्ट करना है और आंसर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास एक नया बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है कि सिलेक्ट करना है पर्पस कोड, मतलब
फॉरेन से जो भी आपके पास पैसा आता है तो आपको वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है कि फॉर विच पर्पस। तो आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको पर्पस कोड सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज सिलेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी सिलेक्ट कर लिया है और अपडेट पे क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद से आपको इस तरह से पेज आएगा, जैसे कि आपका अकाउंट वगैरह सेटअप हो चुका है। ये आपकी पेमेंट हिस्ट्री का बॉक्स है, मतलब जैसे जैसे पेमेंट रिलीज होगा आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट जो हमने लिंक किया था फाइवर से यहाँ पे दिख रहा है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, बैंक अकाउंट जो लिंकअप किया है हमने वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मैंने जो बैंक अकाउंट ऑलरेडी लिंकअप किया है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है और वो भी अप्रूव हो चुका है ऑलरेडी। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो, दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फंडिंग सोर्सेस फाइवर के थ्रू, मतलब फाइवर के थ्रू पैसा आएगा, वो पैसा आपको इस बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। ठीक है, तो होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा कि आपको fiverr.com से पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है।